नासा की मदद के बाद भी नहीं हुआ विक्रम से संपर्क। इसरो प्रमुख बोले, अगले मिशन पर करेंगे फोकस। नमस्कार। 6 दिन बाद भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 2 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम से संपर्क नहीं कर पाया है। इसके साथ ही इसरो प्रमुख के सिवन ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए अगले प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहा है। हालांकि इसरो चीफ ने लैंडर विक्रम से संपर्क न होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया, लेकिन इसरो का प्रमुख का ये रुख कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि अब विक्रम से संपर्क करना शायद मुश्किल होगा। आपको बता दें कि 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। मिशन के अंतर्गत 6 सितंबर की रात को चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी, लेकिन बाद में जांच में पाया गया कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई जा सकती और वह चांद की सतह पर तय सीमा में 400 मीटर दूर जाकर गिरा है। इस बात का खुलासा चंद्रमा के चक्कर काट रहे चंद्रयान के ऑर्बिटर ने किया है। ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष से लैंडर विक्रम की जो तस्वीर भेजी है उसमें उसकी लोकेशन का पता चला है। गौरतलब है कि इसरो लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। यहां तक कि इसरो ने इस काम के लिए नासा से भी मदद ली है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार डीप स्पेस नेटवर्क में मौजूदा 32 मीटर एंटीने के अलावा नासा की जेट पोल्यूशन लेबोरेटरी के 70 मीटर के एंटीने के माध्यम से भी लैंडर विक्रम से कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई असफलता न मिल पाई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।